गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सीमाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध है ये ले लिया है, और ये दो मैंगो है हमने ये ले लिए हैं, और ये एक कच्चा मैंगो है हमने ये ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मैंगो के छिलके को हटा देंगे। इस तरह से सारे मैंगो के छिलके को हम इस मैंगो से अलग कर देंगे। मैंगो के छिलके को अलग करने के बाद में हम इसको इस तरह से कट करेंगे और इसको एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। हमने दोनों मैंगो को छिलके को रिमूव करके और इसके अंदर कट करके डाल दिया है। अब हम इस कच्चे मैंगो को भी इसी तरह से छिलके को इसके को रिमूव करेंगे और इसको भी कट करके इसके अंदर डाल लेंगे। हमने मैंगो और रॉ मैंगो दोनों को इस मिक्सर जार के अंदर डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसका हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब हमने दूध को इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और इसको अब हम दूध को आधा जलने तक इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम को हाई कर लेंगे। यदि आपको दूध को बीच में छोड़ना है तो आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें, इसमें एक से दो उबाल आने दें, और तब तक के लिए हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। दूध में एक उबाल आने के बाद में, और जब ये आधा रह जाए इसको जलाते जलाते, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चम्मच कॉर्न स्टार्च है हम ये लेंगे, और इसके अंदर ये जरा सा पानी है ये डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और इसको भी चलाएंगे। अब एक से दो मिनट के लिए ही इसको चलाना है। जब इसको चलाते हुए एक से दो मिनट हो जाए तो हमने ये मैंगो का पल्प बनाया था इसके अंदर इसको डाल लेंगे। इस पल्प को डालने के बाद में इसको कंटिन्यू चलाएंगे। फ्रेंड्स, ये कुल्फी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और फिर अपने एक्सपीरियंस सीमांच किचन पर शेयर करें कि आपकी कुल्फी खाने में कैसी बनी। इसको हम कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाएंगे और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। इसको अच्छे से जब चलाते हुए दो से तीन मिनट हो जाए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेरे पास ये दूध की मलाई है, फ्रेश दूध की मलाई है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और इस तरह से बना लिया है। मैंने इसका यूज किया है, आपके पास व्हिप्ड क्रीम हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और फिर इसको भी चलाएंगे। अभी हमें इसको दो से तीन मिनट के लिए ही और चलाना है। जब इसको चलाते हुए दो से तीन मिनट हो जाएं और इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल आने लग जाए, तो इसके अंदर हम ये अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी है ये ऐड कर देंगे, और चीनी को भी हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चीनी इसके अंदर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। जब ये चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए तो हमें इसको अभी 5 मिनट के लिए और पकाना है, और 5 मिनट पकाने के बाद में हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद में इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब ये अच्छे से एकदम से ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर इसको डालेंगे और इसको एक बार फिर से पीस लेंगे। 3 से 4 बार इसको हम ऑन ऑफ करते हुए चलाएंगे। इसको ऑन ऑफ करके इसको हमने 5 से 6 बार चला लिया है, और इसको चलाने के बाद में इसके अंदर हमें इलायची पाउडर है ये डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जब इलायची पाउडर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इसके अंदर हम इस तरह से कोई भी मोल्ड लेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद में इस तरह से इसको एक से दो बार टेप करेंगे और इसके ऊपर हम ये पिस्ते हैं इनको भी डाल देंगे। पिस्ता डालने के बाद में हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और अब हम इसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। अब हम इसको 8 से 10 घंटे के बाद में देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आइसक्रीम जमकर बिल्कुल रेडी है। ऐसे हम आपके लिए कट करके दिखाते हैं। इसे आप अपनी मनचाही शेप में काट सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंगो आइसक्रीम जमकर बिल्कुल रेडी है और ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। जिस तरह से देखने में अच्छी लग रही है, उसी तरह से खाने में भी बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हम एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।